उत्तर प्रदेश के आगरा पहुंची कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी पहुंच गए हैं। राहुल गांधी की यात्रा में अखिलेश का शक्ति प्रदर्शन भी नजर आया और बड़ी संख्या में सपा के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। वहीं अम्बेडकर जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण के बाद दोनों नेताओं ने पदयात्रा की। राहुल गांधी देश में मोहब्बत की बात करते हैं, लेकिन यह शहर पूरा मोहब्बत का ही शहर है। हमारी लड़ाई संविधान बचाने की लड़ाई है। बीजेपी हटाओ, देश को बचाओ। हमारी लड़ाई तभी सफल होगी जब उत्तर प्रदेश में बीजेपी हारेगी। 80 हराओ, लोकतंत्र बचाओ। इस दौरान मंच पर राहुल गांधी के साथ कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी मौजूद रहे। इस दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा, मुझे भीड़ में से एक लड़का आया और कहता है कि मैं जानता हूं कि आप क्या कर रहे हैं। मैंने पूछा कि मैं क्या कर रहा हूं, तो उसने कहा, आप नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आए हैं। आज देश में नफरत का बाजार खुला हुआ है। इस देश में गरीबों के साथ अन्याय हो रहा है, इसलिए हमने अपनी यात्रा में अन्याय शब्द को भी जोड़ दिया है। राहुल गांधी ने कहा, देश में नफरत का बाजार खुला हुआ है। देश में भाई को भाई से लड़ाया जा रहा है। इस देश में गरीबों के साथ अन्याय हो रहा है, इसलिए हमने अपनी यात्रा में अन्याय शब्द को भी जोड़ दिया। भारत जोड़ो न्याय यात्रा में अखिलेश यादव का स्वागत है। आज बहुत खुशी का दिन है। हम सब मिलकर देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं।